हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। आज की वीडियो अगर आपने देख ली, रियल बता रहा हूँ, आपकी स्किन को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपकी स्किन अगर साइड इफेक्ट है या आपकी स्किन सेंसिटिव है तो वो बिल्कुल ठीक होने वाली। कैसे ठीक होने वाली आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे ठीक करता है, इसके बारे में बताऊंगा कि इसको ठीक करने के लिए कौन सी क्रीम का यूज करें, जिससे हमारी स्किन पर कौन सी भी क्रीम से साइड इफेक्ट्स होगा। स्किन पर रेडनेस हुई है, स्किन बिल्कुल लाल पड़ चुका है, स्किन पर छोटे से पिंपल्स आ चुका है, स्किन जलन होती है बाहर निकलने से। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ठीक है, अगर स्किन पर पिंपल्स भी हो चुका है साइड इफेक्ट से, तो उनको कैसे ठीक करें और स्किन को अच्छी तरह से मेंटेन रखने के लिए कैसे हमारे को कैसे क्या करना है, बिल्कुल सोच समझ कर फिर मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकूं। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखो, मेलामेट, स्किन लाइट, स्किन साइन, नो स्कार्स और भी कई ऐसे 150 क्रीमें होती है जिसके अंदर कई ऐसे हार्मफुल केमिकल यूज किए गए। इन क्रीमों से अगर आपको साइड इफेक्ट है और अदर क्रीमों से भी आपको साइड इफेक्ट हो चुके हैं, तो उनको ठीक करने के लिए एक ऐसा ट्रिक, ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि आपको बिल्कुल तंग हुए, बिल्कुल सोचने लगे। आपकी स्किन पर आपने इन क्रीमों का यूज करा, कई क्रीमों का यूज करा, आपकी स्किन बिल्कुल गोरी बस चिट्टी तो हो चुकी है, लेकिन उनको उसके बाद जो है आपकी स्किन पर साइड इफेक्ट हो चुका, धीरे धीरे आपकी स्किन रेडनेस हो चुकी है, तो उसको भी कैसे मेंटेन रखना है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। देखो गाइस, जो ये क्रीम होती है ना, पहले क्रीमों के बारे में, क्रीम होती है इनके अंदर ऐसे हार्मफुल केमिकल यूज किया जाता है जो हमारी स्किन को काफी हद तक खराब कर देता है। हम अगर धूप में भी निकलते हैं तो स्किन बिल्कुल रेडनेस हो जाती है, स्किन पर कई छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं, स्किन पर कई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसको बिल्कुल उसको हटाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो हमारे स्किन पर कई ऐसे रिद्र में छेद्र होते हैं जो बिल्कुल उनको एब्जॉर्ब करने में वह असफल होते हैं, जो वह हार्मफुल केमिकल होता है वह उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और उसके बाद वो बाहर स्किन को बिल्कुल वह लाल में बिल्कुल पतला बनाना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारी स्किन की जो ऊपरी परत होती है वो बिल्कुल हटना स्टार्ट हो जाती है। और हमारी स्किन की जो ऊपरी परत होती है वही मेन होती है, वो जब हमारी स्किन पर हटना स्टार्ट हो जाती है तो हमारी स्किन धीरे धीरे स्किन रेडनेस होने लग जाती है, उसके अंदर मवाद पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे क्रीम छोड़ने के बाद हमारी स्किन पर साइड इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी स्किन के छोटे छोटे चकते बन जाता है, पचके निशान पड़ जाता है, हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन से भरपूर हो जाती है। ठीक है, तो इनको कैसे हटाया जा सकता है और इनको अच्छी तरह से कैसे मेंटेन किया जाता है। देखो, अगर हमारे क्रीम से हमने स्किन को गोरा तो कर लिया है, ठीक है, हमने हमारी स्किन को गोरा कर लिया, अब स्किन पर रेडनेस आना स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, उस क्रीम को आपको छोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, उस क्रीम को आपको छोड़ना ही है। आपको क्या करना है, आपको वह क्रीम तो यूज करना है लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट को है उसको कम करना है। कैसे कम करना है, देखो आपको जो क्रीम यूज करते हो उसके अंदर थोड़ा सा कोई अच्छा सा सनस्क्रीन या फेयरनेस क्रीम यूज करना है, जैसे मैं आपको अगर बोरिलिन के यूज करते हो उसके अंदर मिला के, या फिर आप उसके अंदर वह कोई अच्छा सा सनस्क्रीन हो जैसे फेयर एंड लवली यूज करते हो वो अगर उसके अंदर मिला के यूज करो, तो रियल बता रहा हूँ आपकी स्किन पर साइड इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको अच्छी तरह से मेंटेन रखने के लिए आपको वह सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है, सनस्क्रीन का तो आप रेगुलर यूज करोगे, ठीक है, सुबह आपको करना है, जिससे धीरे धीरे जो रेडनेस है, धीरे धीरे जो पिंपल्स आते हैं वो धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगा और आपकी स्किन रेड नहीं होगी। ठीक है, आपको नाइट में सोते समय क्या करना, अगर ज्यादा आपकी स्किन सेंसिटिव हो रही है, ज्यादा बिल्कुल इतनी बेकार हो रही है, ठीक है, आपको जिसको खिंचाव जैसा महसूस हो रहा था, आपको क्या करना, एक दिन आपको क्रीम यूज नहीं करना, आपको क्या करना, रात में सोते समय एक बोरिलिन का उपयोग करना, जिससे आपकी स्किन अगर खिंचाव, आपकी स्किन सेंसिटिव, आपकी स्किन ज्यादा बिल्कुल खराब हो, जलन पैदा होती है, तो आपको बोरिलिन रात में सोते समय अगर आप यूज करोगे, मैं आपको रियल बता रहा हूं, आपकी वैसे आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं होगी, आपकी स्किन पर खिंचाव जैसा होगा तो वो भी आपकी स्किन पर नहीं होने वाला। ये बात आपको मैं सच बता रहा हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला अगर आप रात में सोचो बोरिलिन का उपयोग करोगे। हाँ, अगर आपने क्रीम छोड़ दी, आपने सोचा अब ये क्रीम का यूज नहीं करना है, ठीक है, तो अब फिर आपकी स्किन को कैसे मेंटेन रखना मैं आपको बता दूं, आपको नाइट में सोते समय एक बोरिलिन का उपयोग करना है। ठीक है, बोरिलिन का अगर आप उपयोग करोगे तो आपकी स्किन धीरे धीरे मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा मत सोचना आपकी स्किन को ब्लैक कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, आपकी स्किन को धीरे धीरे मेंटेन रखने में काफी हद तक फायदेमंद करेगा, आपकी स्किन बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होगी, आपकी स्किन छोटे छोटे पिंपल्स नहीं होंगे, ठीक है, आपकी स्किन की जलन ज्यादा होती है वो नहीं होगा, सुबह उठने वो अच्छा सा फेयरनेस सनस्क्रीन यूज करोगे तो रियल बता रहा हूँ आपकी स्किन के लिए काफी हद तक बेस्ट होगा। आपकी स्किन को अगर धूप से अगर किसी तरह कोई एलर्जी है तो वो आपकी स्किन पर नहीं होने वाली। ठीक है, छोड़ने का यही नुस्खा है, अगर आप इसको छोड़ना चाहते हो तो रियल बता रहा आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो, धीरे धीरे अगर आप इसको छोड़ना चाहते हो तो अंदर कोई अच्छा सा सनस्क्रीन यूज करके, अगर आप इसके अंदर अच्छा से कोई फेयरनेस क्रीम यूज करके इसको धीरे धीरे छोड़ सकते हो, उसका बिल्कुल जो क्वांटिटी बिल्कुल कम करके आप इसको लगा सकते हो, तो आपकी जो बिल्कुल क्वांटिटी कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो क्रीम भी आप धीरे धीरे छोड़ दोगे और आपके धीरे धीरे इतने खासा कुछ साइड इफेक्ट्स भी नहीं दिखाएगा जो आपकी स्किन को रेडनेस बना देगा, स्किन पर ऐसा रेडनेस बना देगा। जो कि मैंने इसलिए आपको इस वीडियो में बताया कि कई ऐसे सारे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर मैंने इस क्रीम का यूज करा साइड इफेक्ट हो चुका है, ऐसा हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बोरिलिन और बोरो प्लस एक ये ऐसी है जो हमारी स्किन को अच्छे से मेंटेन और एब्जॉर्ब करने में काफी हद तक फायदेमंद करता है, जिससे हमारी स्किन सेंसिटिव नहीं होती, हमारी स्किन रेडनेस नहीं होती। ठीक है, अच्छा वो सनस्क्रीन अगर सुबह यूज करो, रियल बता रहा हूँ, जैसे आपकी स्किन रेडनेस नहीं होगी, धीरे धीरे जो आपकी रेड है वो धीरे धीरे अच्छी तरह से मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगी गाइस।
ठीक है गाइस, तो आज के वीडियो में इतना था। वीडियो में मैं ये आपको बताना, अगर आपकी स्किन में इन ढेरों सारी क्रीमों का अगर साइड इफेक्ट हो चुका है तो आप इसको इस तरह से मेंटेन रख सकते हो। देखो अगर वीडियो आपको समझ में फिर भी नहीं आती, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप नंबर दे चुका अगर आपको, ठीक है। और आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूँ, देखो अगर किसी की भी हेल्थ बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल पतले दुबले हैं, ठीक है ना, कई ऐसी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो बिल्कुल उसको हेल्दी और बिल्कुल मोटा करने के लिए हमारे पास एक ऐसा आयुर्वेदिक जो पाउडर है जिससे आप इसको हेल्दी और बिल्कुल मोटा हो सकता है। अगर आपको वो परचेस करना, अगर किसी की बिल्कुल हेल्थ बिल्कुल कमजोर है, तो गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप, आप उस पर जाकर मैसेज कर सकते हो।